नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक करने, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ने और सभी पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा मुफ्त में देने के लिए ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी की ओर से 20/7/2023 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास अनशन व धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इसी को लेकर एक पत्र श्रम और रोजगार मंत्रालय को यहाँ पर लिखा गया है। 13/7/2023 को नेशनल एजिटेशन कमेटी की ओर से एक पत्र लिखा गया, जो कि माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार ने दिल्ली को लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि देश के प्रतिभाशील प्रधानमंत्री जी व सभी के सम्मानीय सांसद सदस्यों, वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से करुणा पिकार की जा रही है। न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा 20/7/2023 को जंतर मंतर पर दिल्ली में उपवास अनशन व भावनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के संदर्भ में कहा है कि देश की प्रगति हो रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अधोगति हो रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स में व्याप्त रोष व ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश के सभी सम्मानीय मंत्रीगण व सांसदगण, जो कि दिनांक 14/7/2023 से दिनांक 19/7/2023 तक ज्ञापन सौंपकर ईपीएस 95 पेंशनर्स की भावनाओं का प्रदर्शन व राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र कार्यकारिणी के द्वारा दिनांक 20/7/2023 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास अनशन का कार्यक्रम एनएसी के संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। पत्र में आगे लिखा है कि माननीय महोदय जी, आपसे स्वयं व भूतपूर्व श्रम मंत्री ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित मांगों से संबंधित तथ्यों पर तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक विविध प्रकार के अनोख आंदोलन, मीटिंग व त्रिपक्षीय वार्ता को ध्यान में रखते हुए संगठन के प्रतिनिधियों को दिए गए आश्वासन के अनुसार कृपया अविलंब कार्यवाही की जाए व संसद के इसी आगामी सत्र में न्याय प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे कि संघर्ष को टाला जा सके। विस्तार पूर्वक सविनय सादर है कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार व निजी क्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स, जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय मरणासक्त अवस्था जीवन जी रहे हैं। परिवार व समाज में सम्मान खोते जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार लोक कल्याण हेतु अनेकों पेंशनर्स योजनाएं सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार 417 रुपए, 541 रुपए, 1250 रुपए प्रति माह पेंशन फंड में जमा करवाने के बाद भी वृद्ध पेंशनर्स को औसतन पेंशन मात्र 1170 रुपए दी जा रही है। यह राशि इतनी कम है कि इसमें पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, इस वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत फार्मूला अनुसार जो अल्प पेंशन राशि तय की जाती है, वही पेंशन आजीवन कायम रहती है। पत्र में आगे लिखा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अधोगति कैसे हो रही है, इसको समझाया गया है। वर्ष 2001 के बाद इस योजना से वार्षिक राहत को खत्म कर दिया गया। दिनांक 25/9/2008 से पूंजी की वापसी का प्रावधान भी यानी कि कम्यूटेशन पेंशन का प्रावधान भी खत्म किया गया। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान खत्म किया गया। दिनांक 1/9/2014 से प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए की घोषणा कर वृद्ध पेंशनर्स को राहत प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईपीएफओ द्वारा लाखों पेंशनर्स को अनेकों नियमों के कारण 1,000 से कम पेंशन की राशि आज भी मिल रही है। साथ ही वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ ने दिनांक 1/9/2014 से ही पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर पेंशन राशि की गणना हेतु जो 12 महीने का औसतन वेतन लगाया जाता था, उसकी जगह 60 महीने के औसतन वेतन की गणना शुरू की व परिणाम यह हुआ कि मासिक पेंशन की राशि 30-35% तक कम हो गई। दिनांक 1/9/2014 से नई भर्ती हुए कर्मचारी जिनका वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा है, वह इस ईपीएस योजना से बाहर कर दिए गए। इतनी कम पेंशन राशि में हम वृद्ध पेंशनर्स गुजारा कैसे करें? हमारे संगठन एनएसी ने पीड़ित ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 7 वर्षों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिल्ली तक विविध प्रकार के कई आंदोलन किए। एनएसी के मुख्यालय बुलढाणा महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने भी 24/12/2018 से क्रमिक अनशन अभी भी शुरू है।
माननीय भूतपूर्व श्रम मंत्री जी के साथ भी एनएसी के प्रतिनिधि मंडलों की कई बैठकें हुई। सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 व दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में प्रधानमंत्री जी के साथ भी एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की बैठक व वृद्ध पेंशनर्स के प्रति करुणा भाव दर्शाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि संबंधित मंत्री महोदय को उनके आदेश दिए लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन व दिशा निर्देश के बाद भी ईपीएफओ की नकारात्मक भूमिका के कारण अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे मंजूर नहीं हुई है। इसलिए संगठन के निर्णय के अनुसार दिनांक 20/7/2023 को जंतर मंतर एनएसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा उपवास अनशन करना पड़ रहा है। यह शांतिपूर्ण ढंग से सांकेतिक आंदोलन इस अमानवीय व्यवस्था के विरोध में है क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा बार बार कहा जाता है कि पेंशन फंड स्थिर नहीं है, पेंशन स्कीम वर्ष 2000 से घाटे में चल रही है इत्यादि, लेकिन वास्तविकता यह है कि पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर 7500 डीए करने हेतु ईपीएफओ के पास पर्याप्त फंड है। यह संगठन की ओर से कई मीटिंगों में सिद्ध किया जा चुका है। पेंशन फंड को और अधिक सक्षम बनाने हेतु सरकार अपना अंशदान 4% बढ़ा दे जैसा कि एनपीएस में बढ़ाया गया है व सभी कर्मचारियों को ईपीएस स्कीम के दायरे में लाए उससे वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार करे व यदि आवश्यकता हो तो उनका अंशदान 8% 33% से बढ़ाकर 9.33% कर दिया जाए। इस संबंध में हमारे संगठन की ओर से प्रस्ताव भी सादर किए गए हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी श्रम मंत्रालय में किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी व सरकार से निवेदन है कि देश के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स व उनके परिवारों के शुभचिंतक होने के नाते कृपया अपना वचन निभाए एवं संसद के इसी सत्र में हमारी 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाए, हमें न्याय प्रदान करे क्योंकि हम पिछले 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, 65+ के हो चुके हैं और औसतन आयु 70 वर्ष ही मानी जाती है, तो कम से कम 5 से 6 वर्ष तो समाधान से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उन्हें भी यहां पर लिखा गया है कि न्यूनतम पेंशन 7500, महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए, यह राशि ईपीएफओ के फंड से दी जा सकती है, यदि आवश्यकता हो तो बजट में प्रावधान किए जाए, यह उचित मांगे कोश्यारी समिति की राज्यसभा पिटिशन नंबर 147 के अनुसार है जो कि उस समय ₹3000 और उस पर महंगाई भत्ता की बात की गई थी जो कि अब 10 वर्ष से इस बात को यहां पर हो चुकी है, इस हिसाब से ₹7500 और उस पर महंगाई भत्ता बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4/10/2016 और 4/11/2022 को जो निर्णय आए उसकी व्याख्या वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 1/9/2014 के पहले 1/9/2014 के बाद से सेवानिवृत्त सदस्यों सभी को प्रदान की जाए जिससे कि उन्हें सही अर्थों में न्याय मिल सके। साथ ही प्रार्थना है कि उच्च पेंशन प्राप्ति हेतु पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि व पेंशनर्स को प्राप्त होने वाले उच्च पेंशन के एरियर्स की राशि का बुक एडजस्टमेंट किया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक को उनके पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए व जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में शामिल नहीं किया है उन्हें जो है सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए या उन्हें ₹5000 राशि प्रदान की जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है लेकिन इन्हें भी बेनिफिट देने की मांग की जा रही है। इस तरह का पत्र एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से लिखा गया है और इसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री भर्तहरि महताब जी जो कि श्रम स्थायी समिति के अध्यक्ष है उन्हें भेजी गई है। साथ ही सभी सांसद महोदय लोकसभा राज्यसभा, श्री डीटी सोमनाथन जो कि वित्त सचिव है भारत सरकार में, सुश्री आरती अहुजा जी जो कि श्रम मंत्रालय में यहां पर श्रम सचिव है, सुश्री नीलम समी राव जी जो कि ईपीएफओ की आयुक्त है और सभी सीबीटी सदस्यों को भी यहां पर जो है भेजी गई है। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से ₹7500 तक करने, उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने और सभी पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा संबंधित जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे है उनको लेकर एक आंदोलन 20/7/2023 को जंतर मंतर दिल्ली में किया जाना है, उसी के बारे में एक नोटिस श्रम मंत्रालय को यहां पर भेजा गया है और इसकी प्रतिलिपि भी सभी शासकीय अधिकारियों को भेज दी गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जो मांगे एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से उठाई जा रही है क्या ये आपको उचित लगती है, सरकार आपकी मांगे यहां पर कब तक मान लेगी ये भी जो है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और क्या आपको भी अभी ₹1000 से कम यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही है ये भी जो है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एम्प्लॉय खबर के नाम से फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए।
इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी हम जो है इन टेलीग्राम ग्रुप पर ही यहाँ पर आपको शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।